कोई सवाल है तो आई कैन आंसर। पब्लिक का एक सवाल है जो एडीसी का जो सब्जेक्ट एग्जाम का कि जो बाय बाय एग्जाम पोस्टपोन हुआ है उसका वजह जानना चाहता हूं। मुझे चिट्ठी मिल गया है ऑल माय एमएलए से। मेरा पर्सनल व्यू है कि अगर कहीं में भी शॉर्टकमिंग है तो मैंने दिल्ली में भी इतिप्रा से, अच्छा सवाल है आपका, मैंने इतिप्रा सा अकाउंट में ये बात रखा है कि अब से कोई भी एग्जाम्स हो हमको स्टेट गवर्नमेंट को देना चाहिए, टीपीएससी को देना चाहिए, जेआरबीटी को देना चाहिए या कोई भी इंडिपेंडेंट बॉडी को देना चाहिए और उन्हीं को एग्जाम्स कंडक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये मेरे एमएलएस का भी एमडीसीज का भी व्यू है और मेरा भी ये पर्सनल व्यू है कि जहां में भी कोई साइन हो कि कोई पॉलिसी ठीक तरीके से फॉलो नहीं किया गया है वो सबको कैंसिल करके सब लोगों को फ्रेश चांस दिया जाना चाहिए और नेक्स्ट टाइम एग्जाम एडीसी नहीं करेगा, स्टेट गवर्नमेंट को करना चाहिए या इंडिपेंडेंट सेंट्रल एजेंसी को करना चाहिए। तो मैं पिछले बार जो इंजीनियरिंग का जो एग्जाम लिया गया था, इंजीनियरिंग और सब्जेक्ट जो पीयू ये सब एग्जाम वो कैंसिल हो जाएगा। आपका भी तो पर्सनल व्यू वही है, तो मैं आप ही का पर्सनल व्यू भी, मेरा भी पर्सनल व्यू वही है क्योंकि इसमें इलेक्टेड लीडर्स का कोई हाथ नहीं और जहां में भी उंगली उठाया जाता है ये हमारा ड्यूटी बनता है कि हम जस्टिस शुड नॉट बी शोन, इट शुड बी ऑल्सो सीन टू बी शोन। तो आई थिंक दैट दिस इज माई पर्सनल व्यू और सबने चिट्ठी लिख के भी दिया है कि ये पूरा एग्जामिनेशन प्रोसेस फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी को दोबारा फीस नहीं देना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट हमें ये स्टेट गवर्नमेंट को हैंडल करना चाहिए। यही बात मैंने चीफ सेक्रेटरी से भी बात किया है और दिल्ली में भी जब हमारा मीटिंग हुआ तो मैंने कहा कि अगर ये होता है तो अच्छा रहेगा क्योंकि इंडिपेंडेंटली ही एग्जामिनेशन दिया जाना चाहिए। अब से पहले एडीसी में जो भी सीपीएम को वोट करता था, जो भी वोटर था सीपीएम का, उन्हीं को वॉक इन इंटरव्यू में नौकरी मिल जाता था। मैंने प्रोसेस को चेंज करने के लिए इंटरव्यू लाया, रिटन एग्जाम सिस्टम लाया, लेकिन बहुत लोग हैं जो चाहते नहीं हैं कि हमारे यंग यूथ को नौकरी मिले, वो चाहते हैं कि जैसा सिस्टम चल रहा था वैसे ही रहे, तो नाम खराब करने के लिए सब लोग रेडी हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप यूथ को चांस नहीं देंगे तो नहीं चलेगा। अब अगर एडीसी में ये लोग नहीं चाहते हैं, कुछ कुछ ऑफिसर सब नहीं, बहुत लोग चाहते हैं, कुछ कुछ लोग हैं जो बहुत साल से बैठे हुए हैं वहाँ में, तब सबसे अच्छा है कि इसको इंडिपेंडेंट एजेंसी को दिया जाए। ब्लैक शीप इन द सिस्टम इज नॉट ओनली इन एडीसी, इट इज इन द एंटायर स्टेट ऑफ त्रिपुरा। द जॉब आई वॉन्ट टू चेंज द सिस्टम, अनफॉर्चुनेटली आई एम सफरिंग माई सेल्फ इन पर्सनली ऑल्सो। करप्शन हैज बिकम डीप रूटेड, but the fact is that if I give up today then the young generation will never get a solution. If 99% people think it is wrong, then for 1% I am not going to betray the 99%. Many people also, I had said that 10,323 teachers, I raised that subject in Delhi also because I think that I had given them a commitment, my personal commitment. People ask me kya ho raha hai, at least today is not election, still I have gone and spoken. एक टाइम रिलीफ भी इनको दे दो। तो आई थिंक दैट त्रिपुरा नीड्स आफ्टर द फ्लड्स, हाउ मेनी पीपल हैव सफर्ड, हाउ मेनी पीपल आर अनएम्प्लॉयड, एंड वी नीड टू कम आउट विद अ क्लियर पॉलिसी। एडीसी इन द स्टेट गवर्नमेंट, हूएवर इट इज, नीड्स टू ऑल्सो कम आउट विद अ प्रोसेस वेयर जस्टिस इज सीन टू बी डन, एंड आई थिंक फॉर दैट वी हैव टू वर्क टू